हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर क्लास 9 का संस्कृत का मॉर्निंग शूट का मिड टर्म का पेपर है। इस पेपर में ना मैं आपको पैसेज पे आंसर समझा रहा हूँ, बाकी जो आंसर के लिए आपको आंसर की का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब इवनिंग वाले बच्चों का पेपर है तो थोड़ा बहुत उन्हें आइडिया मिल जाएगा। देखो, एक पदिन में एक वर्ड में आंसर देना होता है। ये कह रहा है कि जगत पाल से तन आया नाम किमस्ती, जो जगत पाल है ना उसकी जो बेटी है उसका नाम क्या था। देखो, अगर आपको नहीं समझ में आती ना हिंदी, तो आप क्या करोगे, ये ढूंढो कहाँ लिखा है। देखो यहाँ पे, देखो ये लिखा तन आया, लिखा ना नाम प्रतिभा, तो प्रतिभा आ गया। तो आंसर एक वर्ड है तो एक वर्ड में लिखेंगे। फिर कह रहा प्रतिभा कस्याम कक्षायाम पढ़ती, प्रतिभा कौन सी क्लास में पढ़ती है। तो यहाँ पर देखो लिखा ही होगा कौन सी क्लास में पढ़ती है, ये लिखा तृतीयाम। तो देखो आपको एक वर्ड लिखना है। देखो ये लिखा ना प्रतिभा, आप काट दो, जो बचेगा वो आंसर लिख दो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जगत पालस से धेनु कृदशी वर्तते, जो जगतपाल की जो गाय है ना वो कैसी दिखती है। तो यहाँ पर देखो ये लिखा श्वेत वर्णा, ठीक है। फिर देखो आपको यहाँ पे दो करने थे। फिर ये कह रहा है पूर्ण वाक्य, मतलब पूरे आंसर दो। ये कह जगतपाल स्वक्षेत्रे किम किम उत्पादयति, जगतपाल अपने क्षेत्र में क्या क्या उगाता है। देख लो कहाँ पर लिखा, ये लिखा अन्न शाक फल, ये उगाता है, अन्न उगाता है, शाक उगाता है, फल उगाता है। तो आप या तो पूरी लाइन लिख दो, देखो जैसे कोई आंसर आता है ना, ये लाइन पूर्ण वाक्य पूरी लाइन लिखनी, या तो आप पूरी लाइन लिख दो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, या आप मेन मेन बात बता दो तो पूरी लाइन लिखते हैं। लेकिन पूरी लाइन लिखनी पड़ती है। आप जैसे यहाँ पे लिखा ना कि जगतपाल स्वक्षेत्र लिखोगे अन्न शाक फल चा उत्पादित, नहीं तो पूरी लाइन उतार दो, पूरे नंबर ही मिलेंगे। फिर ये कह रहे कुत्र स्थितम जगतपाल से ग्रहम अत्यंतम रमणीयम वर्तते, तो कहाँ पर स्थित है जगतपाल का, जहाँ पर उसका घर बहुत रमणीयम दिखाई देता है। तो कहाँ पर उसका घर, तो ये आम ये सब वृक्ष वगैरह लगे हुए, छाया में लगा हुआ उसका घर। तो ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक उतार देंगे। देखो आपको ना ज्यादा लाइन जो मिल रही है ना, जैसे ये मिल रहा रमणीयम वर्तते, रमणीयम वर्तते, ठीक है, ये लिखा ग्रहम, ये लिखा ग्रहम, तो आप ये पूरी लाइन जो मिल रही होगी ना वही उतार देंगे। पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन लिखनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जगतपाल की जो कला है ना उनका स्वभाव कैसा है। तो यहाँ पर देखो ये जो उनकी पत्नी जो कला है उनका स्वभाव कैसा है, देखो ये लिखा उदार है, ये लिखा लिखा ना, तो ये पूरी लाइन उतार देंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये कैसे करना था, ये कह रहे कहानी का नाम क्या दोगे, शीर्षक क्या दोगे, तो आप जगतपाल लिख दो, ठीक है, या जगतपाल परिवार लिख दो, मतलब जगतपाल का परिवार है, ठीक है, तो जगतपाल लिख दो, इतने काफी होगा। फिर ये कह रहे जो बोला गया उसके अनुसार आंसर दो। ये कह रहा है सौ स्वनाम किसके लिए हुआ, देखो यहाँ पे सौ पे विसर्ग लगा हुआ है और ये पुल्लिंग के लिए होता है, अगर स्त्रीलिंग होता तो आकर डंडा लगा होता। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ये लाइन ढूंढो कहाँ लिखी है, ठीक है, तो आपको लाइन ढूंढनी है तो आपको पता लगाना है कि ये सा किसके लिए यूज हुआ है, ठीक है, आपको ढूंढना पड़ेगा, पाले से ढूंढना पड़ेगा। देखो ये मिल गया, तो वह अपना जो कृषि का काम है वो, ठीक है, स्वकर्तव्य पालती, मतलब अपने कर्तव्य की तरह पालन करता है पूरी तरह। तो ये किसकी बात हो रही है, जगतपाल की बात हो रही है, आगे से हिंट ले लो, ठीक है, जगतपाल की बात हो रही है, तो जगतपाल इसमें आंसर आ जाएगा। देखो वैसे भी पुल्लिंग है तो हमें यही आंसर लिखना था, मैंने समझाने के लिए बता दिया। ये कह रहे विशेषण, देखो विशेषण जो संज्ञा स्थान की विशेषता बताते हैं, घर कैसा है रमणीय में, अच्छा है तो रमणीय में आ जाएगा। सा ये स्त्रीलिंग के लिए हुआ है। ये कह रहे क्रियापद, क्रियापद हमेशा लास्ट में होता है, दधाती आगे। अब देखो इसीलिए अगर दुर्जन का विलोम शब्द क्या होगा, सज्जन होगा। अब देखो मैंने कहा था सर पैसेज का आंसर बता रहा हूँ, बाकी इसके आंसर के लिए आपको आंसर की का वेट करना पड़ेगा। इसका आंसर तो नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि हर बच्चे ने अपनी लैंग्वेज बना के लिखा होगा। हाँ आप मेरी वीडियो देख सकते हो जो मैंने लेटर की आपको प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। तो ये फिर ट्रांसलेशन है, इसके आंसर भी सब आपको आंसर की के साथ दे दूंगा, ठीक है। ये मैंने कुछ इसका आंसर कर दिया, अत जमा एव अत्रैव हो जाएगा, छा जमा इव छाया हो जाएगा, तो ये आप आंसर देख सकते हो, ठीक है। अब मैं इसके कर रहा था, अभी टाइम की कमी होने की वजह से मैं भी कर नहीं पाऊंगा, ठीक है, मुझे और भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है, साइंस का भी अब आपका एग्जाम है तो उसके लिए भी कुछ तैयारी वगैरह करनी है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी जैसे बता दो दृष्ट जमा करता है इसका हो जाएगा दृष्ट, ठीक है, भू जमा कतवा, ठीक है, तो आप आंसर की में देख लेना, ने जमा तुम तो ने तुम हो जाए, ये हो जाएगा का, ठीक है, ये प्रत्यय होते हैं तो उसके बेस पर ये करने पड़ते हैं। ये संस्कृत में आपको गिनती लिखनी होगी कि आपको पराजित है,
ठीक है, उपसर्ग आपको बताना है, इसमें गैप आ रहा है, इसमें इसको जोड़ना है, इसमें अव है, इसमें निर है, इसमें जोड़ना है, मतलब जोड़ना या अलग करना होगा। ठीक है, उपसर्ग मतलब जो आगे लगते हैं, अव्यय के उनसे होते हैं जो लिंग वचन किसी के साथ भी लग जाते हैं। ठीक है, तो ये अव्यय आपको इसमें से देख के भरने, फिर ये आपकी बुक में से पैसे जाएगी, वही सेम करना पैटर्न, एक पद में एक वर्ड में आंसर देने, पूर्ण वाक्य में पूर्ण ध्यान देनी है, और निर्देशन से जो बोला गया, जैसे कर्तृपद बोला तो लास्ट वाला होता है, ठीक है, विशेषण कौन से गिनती आ गई, ठीक है, क्रियापद लास्ट वाला होता है, तो आप इससे पहचान लोगे। ठीक है, ये मैंने थोड़ा थोड़ा मेन मेन बता दिया। ठीक है, बाकी तो एक पद मतलब एक वर्ड में आंसर देना है, पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन लिखनी है, और जैसे पर्यवेक्षक मेधा का, मेघा मतलब बादल होता है, तो अभी आपको इसमें ढूंढना पड़ेगा कि बादल के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया। ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पर जो कर्तृपद है, तो अगर कर्तृपद बोल रहा है ना अदंती, तो अदंती ढूंढो कहाँ लिखा है, तो जहां अदंती लिखोगे उसके शुरू वाला कर्ता कारक होगा। देखो यहाँ पर, देखो ये है ना, टांग अदंती, ये देखो खा जमा अदंती, तो ये किसके लिए हुआ है, विभंति नद्य, नद्य नदी जो है अपना खुद, देखो नदी जो अपना खुद को जल नहीं पीती, ठीक है, नाभे में स्वयं ना खा देते, तो नाभे यहाँ पे आ जाए, नाम भाव आ जाएगा, नाम भाव। ठीक है, इस तरीके से कर्तृपद मतलब कर्ता कारक होना उसका, शुरू वाला वर्ड। तो जलम का प्रतिशत क्या होगा, पानी को क्या बोलते हैं आप, तो जो यहाँ पे लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग बताना होगा। फिर ये दोनों के बीच में संवाद है, फिर आपको एक पद मतलब एक वर्ड में आंसर देना है, पूर्ण वाक्य में पूर्ण निर्देशन से बताना है। देखो विशेष्य पद पूछ रहा है, तो रिक्ता घटा, तो घटा कैसा है, रिक्त है, तो घटा यहाँ घटा की विशेषता बता रहा है ना, तो घटा इसका आंसर आएगा। विशेष्य बाद वाला होता है, विशेषण पहले वाला होता है नॉर्मली, ठीक है, और क्रिया मतलब लास्ट वाला होता है, अगर दो वर्ड दे रखे तो लास्ट वाला क्रिया ही होगा। फिर गच्छामि का क्या होगा, मतलब जाने का आना वाला, ठीक है, तो आपको पैसे में देख के पता लगाना पड़ेगा ये। फिर ये आंसर के प्रश्न बनाने हैं, फिर ये अन्वय है, ठीक है, दोनों में से एक करना है आपको, मंजूषा दोनों की दे रखी होगी, देख के भरना है, कटे जो काट दो जो बचे उसको देख के यहाँ पे भरना होगा। आप उल्टी देखोगे ना, संस्कृत पेपर की जिसमें सॉल्व कर रखा है उसमें आपकी हेल्प हो जाएगी, ये उल्टी भी कहानी है तो सीधी करके लिखनी है। ठीक है, फिर ये आपको इनमें से चारों में कौन सा मतलब है आपको ये बताना होगा। ठीक है, फिर लास्ट में जो क्वेश्चन है इसमें आपको मैचिंग करनी है। तो देखो इतना ही था, मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया, पहली पैसे समझा दी मैंने, ठीक है, और आंसर की क्लास वेट कर सकते हैं मॉर्निंग वाले बच्चे हैं, ठीक है, और इवनिंग वाले बच्चों को ऑल द बेस्ट, बाकी जो मॉर्निंग वाले देख रहे हैं उनको भी अगले पेपर्स के लिए ऑल द बेस्ट। आप सबका पेपर अच्छा जाए, या कोई और स्टेट का या किसी और यूनियन टेरेटरीज के बच्चे देख रहे हैं तो उनको भी ऑल द बेस्ट, अच्छे पेपर करें, माँ बाप का नाम रोशन करें, तरक्की करें, मेहनत करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर ऑफ योर स्टूडेंट्स।